हरिओम। नवरात्र की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। 9 दिन साधना के, 9 दिन आराधना के, 9 दिन शक्ति को समर्पित, 9 दिन जिसमें हम अपने भीतर की दैवीय शक्तियों को जागृत करते हैं। ये हमें प्रतिपल ये स्मरण कराता है कि बुराई पर सदैव अच्छाई की जीत होती है। ये हमें प्रतिपल ये याद कराता है कि हमें दैत्यों का वध करना है। और इस वक्त आपका सबसे बड़े दैत्य कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, उससे भी बड़े दैत्य आलस्य, ईर्ष्या। और ये जो आलस्य नाम का दैत्य है, ये आपके अंदर अनेकानेक और बहुत सारे दैत्य जागृत करता है, बीमारियों के दैत्य। और ये जो 9 दिन की अवधि है, इसमें हम तन को हल्का रख के साधना करें ताकि मन शांत हो और आत्मा उन्नत हो। और जब आत्म उन्नति होती है, तभी हम उसको अध्यात्म कहते हैं। इन 9 दिनों में आप अपने अंदर के इस बीमारियों के दैत्य को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। आत्म उन्नति के लिए, मन की शांति के लिए हमें शरीर को हल्का रखना होता है, और इसीलिए हम उपवास करते हैं। अब जब हम उपवास की बात करते हैं, तो सीधा सा अर्थ है उप में वास करना, किसी के नजदीक, किसी के बिल्कुल पास, किसी के उप में वास करना। और जब आप देवी के उप में वास करते हैं, उपवास धारण करते हैं, यानी हम खाना पीना भोजन इत्यादि के विषय में न सोच करके सिर्फ देवी के उप में वास करें, 24 घंटा दैव्य अपने भीतर के देवीय गुणों को, अपने भीतर के देवत्व को जागृत करें। इस 9 दिनों में हम क्या आहार लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब ये तो समझ गए कि उपवास करना है, व्रत रखना है। व्रत यानी संकल्प, है ना? संकल्प लिया कि ये नहीं खाना या ये नहीं खाना। लेकिन उसके नाम पर जो खाने के ट्रेंड शुरू हो गए, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य देने की जगह, यानी प्रावधान तो ये था कि आप हल्का खाएं, आप कंद मूल फल का सेवन करें, जो रॉ फूड है उसका सेवन करें, बहुत ज्यादा खाने पकाने और बनाने में समय वेस्ट ना करें, जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है उसका भी आहार लें, उसका सेवन करें, ताकि खाने में, भोजन में आपकी प्रवृत्ति कम हो और साधना में ज्यादा हो। आपका समय, कुकिंग का टाइम सेव हो करके आप साधना करें। और बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना गरिष्ठ भोजन खाएंगे उतना ऊर्जा नीचे की तरफ रहेगी, लेकिन जितना हल्का भोजन करेंगे उतना ऊर्जा ऊपर की ओर रहेगी और हम साधना के पथ पर और उन्नत होते चले जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया कि अच्छा कुट्टू खा सकते हैं, तो कुट्टू का भी आटा बनाया पहले, फिर उसके भी पकौड़े बनाए हमने, फिर उसकी भी पूड़ी बनाई हमने। अच्छा सिंगाड़ा जो है वो कंदमूल फल में आता है, तो सिंगाड़े का भी आटा बनाया हमने, फिर उसके जो है पैनकेक्स बना रहे हैं, फिर उसके जो है पकौड़े बना रहे हैं। तो ये जो हमने इसका रूप परिवर्तित किया, ये आपको स्वास्थ्य नहीं प्रदान करेगा, ना ही आध्यात्मिक उन्नति देगा। और उसका कारण ये है कि आप सही भोजन नहीं कर रहे हैं। हम इस पूरे 9 दिन की अवधि में प्रतिदिन, यानी पहले नवरात्र से एक दिन पहले, दूसरे से एक दिन पहले, और ऐसे 9 दिन के आपके साथ आहार साझा करेंगे। क्योंकि आप इसे बहुत सारे लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया, और हमारे साधकों ने, क्योंकि भारत योग परिवार तो विश्व भर में फैला हुआ है, तो हमारे बहुत सारे साधकों ने पूछा, आचार्य जी 9 दिन का ना एक डाइट हमें मिल जाए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहती है। और गुरु का तो अर्थ यही है ना, गुरु जो अंधकार से आपका हाथ पकड़कर रोशनी की ओर ले जाए। जब कंफ्यूजन हो गुरु के पास आना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा, गुरु जी ये बताइए कि हम क्या खाएं 9 दिन। हमारी एक शिष्या है राजस्थान से, तो कल उन्होंने स्पेशली आश्रम में फोन करके हमें, गुरु जी से बात करा दीजिए। तो हमने उनसे बात करी, तो बोली गुरु जी ये बताइए कि 9 दिन क्या खाएं, क्योंकि हम आत्म उन्नति करना चाहते। और आप सबसे जो इतनी सारी रिक्वेस्ट प्राप्त हुई, तो हमने ये विचार किया कि ऐसा करते हैं, 9 दिन हम आपको रोज का एक एक डाइट शेयर करेंगे, आप 9 दिन इस डाइट का पालन करें, आपका वजन तो कम होगा ही। वजन भी बहुत बड़ा दैत्य होता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ और बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आता है। वजन तो निश्चित रूप से कम होगा ही होगा, आपकी त्वचा ग्लो करने लगेगी, आप डिटॉक्स हो जाएंगे,
और आपकी जोड़ों के दर्द की समस्या, आपके अगर जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आपके बालों के झड़ने की समस्या, यानी ओवरऑल सिस्टम को आपके हील करेगा अगर आप ये सब कार्य 9 दिनों तक करते हैं। साथ में हम आपके साथ कुछ मेडिटेशंस भी साझा करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर होगा, आप सुबह शाम उनका अभ्यास भी कीजिए, क्योंकि तन के धरातल पर तो हमें स्वस्थ होना ही है ताकि हम मन को शांत रख सकें और आत्मा को उन्नत कर सकें। अब इस पूरे 9 दिन की अवधि में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये कि आप कंदमूल फल को थोड़ा समझिए। कंदमूल जो हमें ये समझ लीजिए जो जड़ रूप में मिलते हैं ना, रूट रूप में, जैसे कि हो गया आलू, जैसे कि हो गया अरबी, जैसे कि हो गया गाजर, मूली, फिर आपका हो गया शकरकंदी, है ना, वो ये सब कंदमूल में आ जाता है। फिर फल, फल तो आपको पता ही है, सिंगाड़ा हो गया, टमाटर हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, जितने भी फ्रूट्स हैं, तो कंदमूल फल का हमें सेवन करना चाहिए। और जब कंदमूल की व्याख्या आती है तो बड़ी अच्छी बात उसमें आती है, जब आप जब भी कंदमूल के बारे में पढ़ेंगे, कि कंदमूल रूट तो है ही जो हमें जड़ से प्राप्त हो रहा है, साथ में ये वो हैं जिन्हें आप उबाल करके खा सकते हैं, यानी उसमें कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो कुकिंग का जो इतना बड़ा तामझाम नवरात्र के आसपास आरंभ हो जाता है, कायदे में हमें रॉ फूड, फल तो वो है जो आप रॉ ही आपने खा लिए, और जो कंदमूल है वो है जिनको आप हल्का सा बेक करके या हल्का सा उबाल करके भी सेवन कर सकते हैं, ताकि आपका कुकिंग का टाइम सेव हो, मन को भोजन में नहीं लगाना। नवरात्र में अगर गुरुदेव कहते हैं कि व्रत ना करके चरत कर रहे हो तुम, तो कि पूरा दिन यही सोचो अब मैं क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं, नहीं, तो हम ऐसा एक आपको डाइट देंगे जो लीस्ट कुकिंग टाइम है, ताकि आप साधना में समय लगा सके। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो भी तामसिक प्रवृत्ति के भोजन है उनका सेवन इस 9 दिन की अवधि में नहीं किया जाता, फिर चाहे भले ही वो प्याज क्यों ना हो, तो वो आपकी ऊर्जा का ह्रास करता है और आपको आपकी एनर्जीज, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज अपवर्ज करनी है उनको लो ले जाता है, गंध आती है उसमें, हमें भारीपन लगता है, तो वो इस 9 दिन की अवधि में हमें नहीं सेवन करना। जो भी प्राकृतिक भोजन है उसका हमें सेवन करना है। और जो आप आहार लें, वैसे तो हम 9 दिन का पूरा डाइट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन साथ में आपको कुछ चीजों को बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें जितना हो सके ना फ्लूइड्स, लिक्विड्स का सेवन करना है। जैसे आप दूध पिए, आप छाछ लें, आप छाछ जानते हैं ना, छाछ मतलब मट्ठा हो जाता है जैसे बटर मिल्क, फिर आप लस्सी का सेवन करें, आप कोकोनट वाटर का सेवन करें, आप स्मूदीज का सेवन करें, आप जूसेस का सेवन करें, तो जो हमें ड्रिंक्स हमारे जितने, और जल का खूब सेवन करें, तो हमें अपने फ्लूइड्स खूब रखने हैं, रादर देन हम ये देखें कि तला भुना। एंड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, बाजार से जो भोजन प्राप्त होता है जिसको आप पैक्ड, यू नो, आजकल अरे ये तो व्रत की नमकीन है, अरे ये तो व्रत का फलाना खाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम जब आप उपवास की अवधि में हैं, कंदमूल फल खाइए, आप जरा सा शकरकंदी को उबाल लिया उसका सेवन कर लिया, पनीर का सेवन कर लिया, दही का सेवन कर लिया, मखानों का सेवन कर लिया, सिंगाड़े का सेवन कर लिया, है ना, रॉ सिकोड़े आटे के पकौड़े ये सब नहीं करना है ना। और जो बाजार से आ रही है पैक होकर के नमकीन और मिठाई और पता नहीं क्या क्या, नहीं, बाजार में किस भाव से बन रहा है, क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज हुए हैं, पता ही नहीं उसमें क्या डला है क्या नहीं। तो अगर उपवास कर रहे हैं तो प्रॉपर करेंगे ताकि उसका लाभ आपको, ठीक। तो पहली चीज, हमें खूब फ्लूइड्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, जूसेस, फ्रूट्स, ये खूब खाइए। दूसरी चीज, हमें 3 से 4 लीटर पानी जरूर जरूर पीना है इस 9 दिन की अवधि में, ताकि हम पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए, ठीक है ना। तीसरी चीज जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये वो ये है कि जैसे आप जो ये कंदमूल भी है, चाहे वो आलू है या वो शकरकंदी है या ये है आपका शिशु मूल है, जैसे एरो रूट कहते हैं ना, एरो रूट, तो वो रूट जो है वो शिशु मूल कहलाती है, या फिर चकुंदर है, गाजर है, तो इन सबको फ्राइड फॉर्म में बिल्कुल नहीं लेना है, आप बेक्ड फॉर्म में लीजिए या बॉइल्ड फॉर्म में। तो जो भी चीज आप खा रहे हैं, फ्राइड तो हमें इस 9 दिन की अवधि में खाना ही नहीं चाहिए। चलो अगर है तो 9वें दिन आप खा लो, कि तो कुट्टू के पकोड़े तो एक बार बनते हैं, लेकिन 9 दिन की अवधि में फ्राइड ना खाएं, कितनी गलत बात है, पूरा दिन भूखा रहते हैं, फिर पूड़ियां बना बना के आप लोग खाते हैं,
नहीं बेक्ड फॉर्म में लेंगे या फिर उसको बॉइल्ड फॉर्म में लेंगे। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो भी हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अगर आपकी अपनी गाय है तो आप उसका सेवन कीजिए, दूध का सेवन, पनीर का सेवन, दही का सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए, ये आपको स्वस्थ रखेगा। और सबसे 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 महत्वपूर्ण चीज, हर एक्ट को, हर अपने कर्म को, हर एक प्रत्येक एक्ट को देवी को डिवोट कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्रोध से दूर रहेंगे, आप ईर्ष्या से दूर रहेंगे, आप हेट्रिड से दूर रहेंगे, आप स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी से दूर रहेंगे। तो अपने प्रत्येक एक्ट को देवी को समर्पित करना है। मैं भोजन भी कर रहा हूँ, मुझे जबान से कुछ नहीं लेना, मुझे अपने टेस्ट से कुछ नहीं लेना, प्रभु ये तो बस मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, समर्पण के भाव से ऐसा कर रहा हूँ, है ना, बहुत आसान सी चीज। तो ये तीन चार चीजों का आपको ध्यान रखना है और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करना। अगर आप ये सोचो अरे मेरा तो उपवास है, अरे मैं तो कुछ खा नहीं रहा हूँ इस अवधि में, अब मैं क्या करूँ, उससे बेहतर है कि मैं तो आराम ही करता रहूँ, नहीं, अपना वॉक रेगुलर करेंगे, अपना योगाभ्यास रेगुलर करेंगे और सुबह शाम का जो ध्यान के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए जा रहे हैं वो जरूर करना है। आप बहुत आसानी से, और जो डाइट हम आपके साथ शेयर करेंगे उस डाइट से आप बहुत 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 आसानी से आप अच्छा खासा वजन घटा सकते, तो इस वजन के दैत्य को हम इस नवरात्र में उसका दहन करना है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप हमें भेजिए, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू ट्राई टू गिव अ सॉल्यूशन टू यू। देवी आप सबकी रक्षा करें, आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। हरिओम।